Punjab Chief Minister Parkash Singh Badal, along with Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal and MP Harsimrat Kaur Badal, casted their vote in Punjab's Lumbi on Saturday. After casting their votes, CM Parkash Singh Badal said, मेरा 70 साल का तजुर्बा है ये वाला सर सारे पंजाब में पूरी तरह से श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी आगे भी चैलेंज किया था जब इन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपने लड़के को खड़ा किया और हमारे हमें ये चैलेंज किया इनकी आदत है चैलेंज करने की अरे भाई सबसे कह रहा हूं बादल परिवार को है तो परिवार से किसी को खड़ा करें और हमारे बेटे के किसी को और को बलि का बकरा न बनाए तो हमने सिमरत कौर को खड़ा किया 1.5 लाख वोटों से हराया और लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 वोट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर दिस टाइम हियर इन लंबी एवरी आई एम कॉन्फिडेंट थ्रू आउट माई लाइफ I have fought with their bigger leaders like, I should not name them. I have fought for Punjab, I have fought for India. So this is small, little battle. But what man is giving a competition to Sukhbir Badal? भैया ये लोग भगोड़े लोग हैं को कहीं से आ जाते हैं फसली दे रहे हैं इन्होंने पब्लिक को पता बाद में मिलना ही नहीं तो ये पब्लिक इन पर इतकाद नहीं करते देखने दुखने के लिए आ जाते हैं भी कौन है ये लोग दल बदलू है कितनी दफा इन्होंने सारों ने दल बदला अमरिंदर सिंह ने 4 दफा दल बदला जो दल बदलते हैं अकाली दल में ये मिनिस्टर रहे हैं हमारी प्रेसिडेंसी में इन्होंने काम किया है तो ये दल बदलू लोग क्या जेन्युइन लोगों का काम लगा Punjab on Saturday came out to elect the 117-member Punjab Assembly in a three-cornered contest with Shiromani Akali Dal BJP, which is battling anti-incumbency after a 10-year rule, locked in a tough contest with Congress and new entrant Aam Aadmi Party.